स्टार्ट करेंगे। तो हेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चुका है स्टार्ट। ट्वेल्थ का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, काफी बड़ा चैप्टर है, बट इलेवेंथ के कंपैरिजन में जो ट्वेल्थ का पोर्शन होता है वो इजी होता है। मतलब अगर इलेवेंथ के पोर्शन को तुम 100% मानते हो तो ट्वेल्थ का पोर्शन टफनेस वाइज 60-70% होता है, यानी कि 30% तुम्हें ईजी मिलेगा इलेवेंथ के पोर्शन के अकॉर्डिंग ट्वेल्थ का पोर्शन। दूसरा, अगर मैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो लगभग 55 और 45 का रेशियो रहता है, मतलब 55% ट्वेल्थ का पोर्शन, 45% इलेवेंथ का पोर्शन, जेई मेंस में मार्क्स की अगर बात की जाए तो। ट्वेल्थ का पोर्शन स्कोरिंग होता है, क्यों स्कोरिंग होता है, क्योंकि मैंने बोला टफनेस लेवल कम होता है, तो सवाल बनने की प्रोबेबिलिटी ट्वेल्थ के पोर्शन से ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इलेवेंथ के पोर्शन से। अब यहाँ कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ट्वेल्थ का बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा, या कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उनके लिए अब जो स्टार्ट होने जा रहा है ट्वेल्थ का पोर्शन वो बहुत मैटर करता है। तो तुम्हें किस तरीके से ट्वेल्थ के पोर्शन को टैकल करना है, क्योंकि यूँ मान के चलो कि आज से तुम्हारी फिजिक्स की दुनिया काफ़ी डिफरेंट होने वाली है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, अभी कई सारे चैप्टर्स अभी आएंगे, ठीक है ना। ये लगभग पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 6 चैप्टरों का कॉम्बिनेशन होती है, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है पोर्शन, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म, वो कुल मिला के 6 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC, कुल मिला के 6 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। एंड ट्रस्ट मी, इन 6 चैप्टर से हर साल मिनिमम 5 सवाल आते ही आते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकता है, 6-7 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5 तो आते ही आते हैं। तो जो भी ट्वेल्थ में का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब ये चैप्टर जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं एक फिक्स मॉड्यूल बना रहा हूँ, एक फिक्स्ड मेथड बता रहा हूँ, जिससे तुम्हारा बोर्ड अगर मान लो तुम्हें देना है तो वो भी हैम्पर नहीं होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होगा। करना क्या है तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा सिंपल है, ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा रखो, सिंपल चैप्टर है, सिंपल है, बस कुछ अपने को बेसिक बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब भी जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जब भी मैं चैप्टर पढ़ा के आगे बढ़ूँ, तुम्हारा काम क्या होगा कि NCERT की बुक सबके पास होगी, NCERT की बुक सबके पास होगी, जितना पोर्शन मैंने कवर करवाया उतना तुम्हें NCERT से रीडिंग दे देना है, जितना पोर्शन मैंने कवर करवाया उतना तुम्हें NCERT से रीडिंग दे देना है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरे बच्चों का कंसर्न रहता है कि सर आप तो कंपटीशन का पढ़ाओगे तो बोर्ड का हमारा कैसे कवर होगा, तो मैं उनके लिए बता दूं कि जैसे कि मान लो 70 मार्क्स का बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, उसमें से लगभग 40 मार्क्स का रहता है न्यूमेरिकल पोर्शन, और अगर तुम और वाले क्वेश्चन को भी इंक्लूड करते हो तो 40% मार्क्स ऐसा रहता है जिसमें न्यूमेरिकल सवाल रहते हैं, न्यूमेरिकल रहते हैं, और 30 मार्क्स में 15 मार्क्स के आसपास मान लो डेरिवेशन और 15 मार्क्स के आसपास मान लो डेफिनेशन, ऐसे कुछ वेटेज रहता है। 40 मार्क्स जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, कंपटीशन का पढ़ने के बाद, जेई मेंस और जेई एडवांस का पढ़ने के बाद, वो 40 मार्क्स तो तुम्हारा इजिली कवर हो जाएगा, उसमें कोई सकी नहीं है कि वो 40 मार्क्स कवर नहीं होगा, पहली बात। दूसरा बचता है 30 मार्क्स, 30 मार्क्स से 15 मार्क्स का आता है डेफिनेशन और 15 मार्क्स का आता है अपना प्रूफ, जो भी प्रूफ होगा वो मैं करवाऊंगा, चाहे वो फील्ड निकालने का प्रूफ हो, अगर NCERT में 10 प्रूफ दिया है तो मैं 30 प्रूफ करवाऊंगा, क्योंकि NCERT में कम दिया हुआ है, हर सवाल जहाँ पे प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी वो तो करवाना ही करवाना है। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा कि ये रिजल्ट है ये याद कर लो, नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा, मैं प्रूफ करवाऊंगा, यानी कि 15 मार्क्स तुम्हारे और अच्छे से आ गए, बचे हुए और 15 मार्क्स है मान लो जो कि अपना आता है डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या है कि मैं बोल तो दूंगा कि भाई गॉस लॉ क्या है तो ये है, चार्ज क्या है तो ये है, वो मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैंने बोल दिया, अब तुम्हारा काम क्या है, तुम घर पे जाके NCERT पढ़ते हो तो उन डेफिनेशन को तुम्हें याद करना रहेगा, तो देखा जाए तुम्हारा 70 मार्क्स बोर्ड में है वो भी कवर हो जाएगा, और जिनका बोर्ड नहीं है उनके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो मस्त ध्यान देते रहे, कोई इशू की बात नहीं आएगी। लगभग 17-18 दिन का ये चैप्टर है, 3 से 4 पार्ट में
चार पार्ट मान लो, ये पूरे चैप्टर को हमने चार पार्ट में डिवाइड किया है, सुनना मेरी बात गौर से, चार या पांच मान लो, देखते हैं देखते कितना पार्ट है। सबसे पहला पार्ट आता है बेसिक, बेसिक पार्ट, जिसमें हम फोर्स एंड फील्ड की बात करेंगे। ये सबसे पहला पार्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, फोर्स और फील्ड की बात करते हैं, चार्ज की बात करेंगे, फोर्स की बात करेंगे, फील्ड की बात करेंगे। दूसरा पार्ट आएगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल क्या होता है अपन बाद में बात करेंगे, पोटेंशियल, देन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फील्ड में बेसिक पार्ट में फील्ड तो पढ़ लेंगे, लेकिन फील्ड का थोड़ा सा बेसिक पार्ट से नेक्स्ट लेवल जो आता है वो आता है गॉस लॉ। ये भी फील्ड ही निकालने का तरीका है, गॉस लॉ भी फील्ड के अंदर ही आता है, फील्ड निकालने का ये मेथड है, बट इसको अपन बिल्कुल सेपरेट मॉड्यूल से पढ़ते हैं। गॉस लॉ अच्छा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर 100 क्वेश्चन आए तो 50% क्वेश्चन यहां से आए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फील्ड का सेकेंड पोर्शन। थर्ड पोर्शन अपना होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल जिसमें पोटेंशियल एनर्जी की भी बात होती है, चलता रहता है, वो भी एक छोटा सा पोर्शन, छोटा क्या है, बड़ा ही है। उसके बाद का जो पोर्शन होता है डाइपोल, डाइपोल ये भी इंपॉर्टेंट है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, आईटी एडवांस में इसके सवाल आते हैं। और जो आखिरी टॉपिक होता है वो होता है कंडक्टर। कुल मिलाकर कितने हो गए, पांच हो गए ना, हाँ पांच। ये पांच अलग अलग अपने पास मॉड्यूल है जो अपने को पढ़ना है, बेसिक, गॉस लॉ, पोटेंशियल, डाइपोल एंड कंडक्टर। ये आखिरी दो टॉपिक और आखिरी दो, और ये गॉस लॉ मान लो, ये आईआईटी एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइपोल भी, कंडक्टर भी और गॉस लॉ भी आईआईटी के लिए। मेंस में तो कहीं से भी, मेंस के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर से भी पूछ देता है, डाइपोल से भी, कहीं से पूछ देता है वो, तो ऐसा है। तो ठीक है, ये अपना चैप्टर का फ्लो रहेगा, ऐसा ये फ्लो रहेगा, फाइन, समझ में आ गया कैसे करना है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कंसाइज वे में प्यार से समझाऊंगा, समझना। सबसे पहला, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये क्या है? ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो अपने को चार्ज और चार्ज के बीच में इंटरैक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। चार्ज क्या होता है, सबसे पहले आता है चार्ज क्या होता है। जस्ट लाइक मास, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर, मास की तरह ये प्रॉपर्टी होता है मैटर का, मास भी एक प्रॉपर्टी है मैटर की, भाई एक ये 1 kg का है, ये 2 kg का है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। सिमिलरली वो उसका सरफेस टेक्सचर ये है, वो खुरदुरा है, वो ब्रिटल है, वो टफ है, ये सब प्रॉपर्टीज होती है मैटर की। तो चार्ज भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है मैटर की, इनहेरेंट मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो मैटर के साथ आएगी ही आएगी, इसको ऐसा नहीं है कि मतलब तुम अलग कर सकते हो, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी मैटर की। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या प्रॉपर्टी है चार्ज की, प्रॉपर्टी क्या क्या है, या सारी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है अपने को। जैसे कि मानो मैं क्या बोलता हूं, एक मैग्नेट है। अब तुम बोलोगे कि मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, क्या नॉर्थ और साउथ को तुम अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, तोड़ दोगे तो फिर से एक नॉर्थ साउथ बन जाएगा, नॉर्थ साउथ बन जाएगा। तो ये मैग्नेट जो नॉर्थ और साउथ है, ये जो मैग्नेट में प्रेजेंट होता है वो उसकी प्रॉपर्टी है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को रिपेल करता है, और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उस मैटर की प्रॉपर्टी है कि नहीं, वो प्रॉपर्टी है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो उसके साथ आई है। उसी तरीके से चार्ज भी मैटर का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गया। कैसे पता चला चार्ज के बारे में, तो कई सालों पहले सिल्क के कपड़े से हमने क्या किया, एक ग्लास रॉड को रब किया, सिल्क के कपड़े से एक ग्लास के रॉड को रब किया। रब करने के बाद मैंने क्या देखा कि वो कुछ पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता था, या तुम कभी वो भी देखे होगे, कॉम बचपन में किए हो कि नहीं पता नहीं मेरे को, कॉम अपने सर पे रगड़ने के बाद तुम छोटे छोटे कागज के वो मतलब पेपर को तुम अट्रैक्ट कर लेते थे, वो चिपकता था। तो ये जब आया कि यार ऐसा क्या हुआ, जो सिल्क से जब अपन ने ग्लास रॉड को रब किया और सॉर्ट ऑफ कॉम को अपने हेयर से रब किया, तो कागज के टुकड़ों को वो खींचने लग गया, मतलब ये अचानक से, क्योंकि भाई अगर वो खींच रहा है तो
तो ऑब्वियस ही बात है कोई चीज अगर रेस्ट में है और वो मोशन में आ गया विदाउट कुछ देखे हुए, यानी कोई ना कोई फोर्स है, कोई ना कोई एक्सटर्नल कुछ है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि अपने आप कुछ भी नहीं होता, फिजिक्स में अपने आप कुछ भी नहीं होता, हर एक चीज के पीछे एक पर्टिकुलर लॉ है, एक कुछ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है जो मतलब कुछ लॉ होगा फिजिक्स का जो उसको क्या उसको बोलते हैं मतलब गाइड कर रहा है। आर ये बात समझे, जैसे कि इस मार्कर को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये मेरे हाथ में आता है क्योंकि नीचे एमजी खींच रहा है, अगर एमजी नहीं आता तो ये मार्कर यहीं का यहीं रहता, यानी कि जो भी फेनोमिना अकर हो रहा है कोई ना कोई होगा जो उसको गाइड कर रहा है। तब साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि कैसे पॉसिबल है, जो कागज के टुकड़े बिल्कुल रेस्ट में पड़े हुए थे अब वो खींचे चले आ रहे हैं, कुछ तो बात है। वहीं से डिस्कवरी हुई चार्ज की, वहीं से क्या डिस्कवरी हुई चार्ज की, कि मैटर के अंदर चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है चार्ज, ठीक है। अब उस टाइम से कुछ कन्वेंशन लोगों ने माना, उन्होंने बोला कि भाई साहब ऐसा है जैसे क्योंकि कोई मैटर है उसका जो दो पोर्शन में डिवाइड किया, एक न्यूक्लियस और दूसरा शेल, शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, शेल में क्या प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो उस टाइम में एक कन्वेंशन लिया गया, वही कन्वेंशन आज तक हम लोग फॉलो करते हैं कि द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज निगेटिव चार्ज, जस्ट लाइक पोल्स, पोल्स ऑफ मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने डिफाइन किया ना कि ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, उसी तरीके से हमने डिफाइन किया कि जो इलेक्ट्रॉन किसी मैटर के अंदर एटम्स होगा, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज दो वेरिएशन में आया, चार्ज कितने वेरिएशन में आया, चार्ज दो वेरिएशन में आया, एक आया पॉजिटिव और दूसरा क्या आया निगेटिव, चार्ज दो वेरिएशन में आया। अब किसको निगेटिव बोले किसको पॉजिटिव बोले ये कंफ्यूजन था, साइंटिस्ट ने एक कन्वेंशन बना दिया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट है उसको तुम क्या बोलोगे, तो भाई साहब उसको तुम बोलोगे निगेटिव चार्ज, और जो प्रोटोन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है उसको तुम क्या बोलोगे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कन्वेंशन बना दिया साइंटिस्टों ने बहुत साल पहले और वही कन्वेंशन आज तक चला आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन हैज निगेटिव चार्ज एंड प्रोटोन हैज पॉजिटिव चार्ज, बस ये आगे कन्वेंशन। सबसे पहली बात तो ये आगे बिल्कुल क्लियर है। अच्छा अब यहां तो सब कुछ सही था, मतलब देखा जाए तो नेचर में मैटर प्रेजेंट है, मैटर के अंदर एटम प्रेजेंट है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज हो गया। अब चार्ज, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज क्या एक फिजिकल, जस्ट लाइक फोर्स मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, हम चार्ज को मेजर भी कर सकते हैं। तो ऐसा बोला गया कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मिनिमम चार्ज प्रेजेंट होता है, बट आज तो बहुत सारे ऐसे भी आ गए हैं पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज लेके बैठे हुए हैं, बट चलो वो अभी वो डिस्कवरी चल ही रहा है तो अभी अपन उसकी बात नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज पॉसिबल हो गया है सर, उसकी बात नहीं करेंगे अभी अपन, क्या बिल्कुल जो 100 साल पहले जो डिस्कवरी हुआ था अपन उसी की बात करते हैं। नई डिस्कवरी ऑब्वियसली चल रही है, नई नई सारी बातें पता चल रही कि इलेक्ट्रॉन से भी कम चार्ज पॉसिबल होता है, बट जस्ट लीव दैट, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि चार्ज भी क्या है एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि चार्ज को भी हम मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको मेजर कर सकते हैं, तो सबसे पहले चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसका यूनिट, जिसका एसआई यूनिट, सब एक एक बात समझ के चलना, एसआई यूनिट होता है कूलम, जिसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, कूलम होता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, अच्छा जिसको सी से डिनोट करते हैं, ये ऐसा यूनिट हो गया। अब मैंने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो मिनिमम माना जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर सर कितना चार्ज होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, बहुत छोटा, बहुत छोटा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम चार्ज होता है। और ऐसा बोला जाता है
कि जितना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है निगेटिव में, उतना ही चार्ज प्रोटॉन पे भी होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है। जितना मैग्नीट्यूड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रोटॉन के ऊपर भी होता है, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज निगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो क्या है, वो है -1.6, मतलब माइनस बोले तो निगेटिव चार्ज है। तो ऐसे अपन कभी लिखेंगे नहीं, जस्ट समझ लो ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इतना होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ठीक है। इतना कूलम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, पूछ सकता है ना भाई, पूछ तो सकता ही कि भाई इतना चार्ज, इतना कूलम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। एक इलेक्ट्रॉन, तो वन कूलम इज इक्वल्स टू 1/(1.6×10⁻¹⁹), विच इज इक्वल्स टू 6.2×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। जरा करके देखना कैलकुलेशन, मेरे कैलकुलेशन में बिल्कुल भरोसा मत करना। ये ऊपर गया तो यह आ गया 10/16, या आ गया 10^19। 19 में से एक को घबाओ, यहाँ 100 करो, 100/16, 16 6 96, सही है ना, 16 5, हाँ 6 आ गया, 0.4 किया, 16 2 32, हाँ सही है, सही है, 6.2 सही है, 25 हो जाता है जो भी है। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास है तो मैं क्या बोलूंगा, उसके ऊपर एक कूलम चार्ज है। तो कूलम एक लार्जर यूनिट ऑफ चार्ज हो गया, लार्ज यूनिट हो गया, कि इतने सारे इलेक्ट्रॉन अगर किसी के पास होंगे तब मैं बोलूंगा कि उसके ऊपर एक कूलम चार्ज है, समझ लो, 6.2×10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो, ठीक है। ये सारी बातें चार्ज की हो गई। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रॉपर्टी तो कुछ होगी चार्ज की। जैसे मैं बोलूं कि मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी है, तुम सबसे पहले क्या बोलोगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की, कि भाई नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करता है, साउथ साउथ एक दूसरे को रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। लाइक दैट ओनली वी विल टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एक चार्ज बॉडी का, एक चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो चलो इसकी बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मैं बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में बताऊंगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज में अपन कुछ और भी बातें कर लेंगे। चार्ज कम्स इन टू वेरियंट, दो वेरिएंट में चार्ज आता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब इसमें एक लाइन और है कि टेक्निकली वे एज्यूम द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज निगेटिव एंड टेक्निकली वे एज्यूम द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज पॉजिटिव। अब ये लाइन में नहीं लिखवाऊंगा, ये तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक मैग्नेट, लाइक मैग्नेट सेम साइन चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट साइन चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। सेम साइन चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है और अपोजिट साइन चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब ऑब्वियस ही बात है, रिपेल कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा, अट्रैक्ट कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा। वो फोर्स की बात अपन बाद में करेंगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करेंगे, बट हाँ ये अभी तुम्हें बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि दो लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आ गया दूसरा, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या बोलता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। सही बात भी है। अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो मिनिमम होता है। अब कोई भी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल ही तो होगा।
कभी हाफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है क्या? तुम बोल सकते हो कि इस बॉडी के ऊपर हाफ इलेक्ट्रॉन है? नहीं बोल सकते। या कभी बोल सकते हो कि इस बॉडी के पास 5/2 इलेक्ट्रॉन है? नहीं बोल सकते। हमेशा या तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा या 5 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी किसी भी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज है, मान लो मैं क्या बोलता हूं, एग्जांपल देता हूं कि सपोज एक बॉडी है, मैंने बोला इस बॉडी के पास N1 प्रोटॉन है, N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन है, बताओ इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा? मैंने पूछा कि बताओ इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल हो गया। आ रही बात में? अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक बॉडी के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, दोनों इक्वल अपोजिट है, तो नेट चार्ज जीरो हो गया। कॉमन सेंस की बात है। मैंने बोला कि N1 प्रोटॉन है, N2 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम क्या लिखोगे? नेट चार्ज ऑन बॉडी। मान लो मैंने बोला N1 की वैल्यू बड़ी है, सपोज मैंने बोला N1 बड़ा है N2 से, मैंने ये कंडीशन दिया, तो तुम क्या बोलोगे? जो इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज है वो है N1P माइनस N2 क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। यहां ई पता है, ई जो जब भी इस चैप्टर में ई लिखा रहे तो ई मतलब इलेक्ट्रॉन मत समझना, ई मतलब समझना कि मैं एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना 1.6 × 10⁻¹⁹ उसको, इसको डिनोट करने के लिए मैं ई यूज करता हूं। वैसे ई का मतलब तो इलेक्ट्रॉन हुआ, बट जब भी मैं इस चैप्टर में ई लिखूंगा समझ जाना कि मैं उस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रहा हूं जो 1.6 × 10⁻¹⁹ है, जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट है, उसकी बात कर रहा हूं। यह आ गया N1 बड़ा था तो ओवरऑल इस बॉडी के ऊपर ये चार्ज आ गया। बट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है कि भाई साहब N1, N2 मस्ट बी इंटीजर। ये इंटीजर होना चाहिए। कभी भी 0.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। कोई बोला कि भाई साहब क्या ये चार्ज पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? इसका मतलब हो गया हाफ इलेक्ट्रॉन। हाफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के ऊपर कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या कभी भी 3/2 पॉसिबल है? नहीं है। पॉसिबल कैसे होगा? फ्रैक्शन में हाँ, लेकिन क्या कभी भी मान लो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 160 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? तो यहां से तुम 100 कॉमन ले लो और ये क्या आ गया? ये आ गया, यानी कि ये n है और ये e है, तो n मेरा इंटीजर है। हाँ पॉसिबल है, 100 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, बट वो सब पॉसिबल नहीं। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया बच्चों प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि मैंने छोड़ दिया, वो क्या था? वो है चार्ज इज कंजर्व्ड। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, यू कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय अ चार्ज, ओनली चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड। हम चार्ज बना नहीं सकते, एक एटम के अंदर ऑलरेडी वो चार्ज प्रेजेंट है, हम खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते कि इंडस्ट्री में गए और चार्ज एक बना के लाए। नहीं, हम सिर्फ एक एटम से उसका चार्ज निकालकर दूसरे को दे सकते हैं, दूसरे से निकालकर उसमें ले सकते हैं। जिससे निकालेंगे उस पे चार्ज कम जाएगा, जिसको देंगे उसका चार्ज बढ़ जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन चार्ज ओवरऑल होता है कंजर्व्ड। वी कैन नॉट क्रिएट अ चार्ज, वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय चार्ज, ओनली चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। ठीक है, पहली बात तो ये क्लियर हो गया फंडा। अब दूसरा कि भाई साहब चलो ये सब सारी हो गई चार्ज की प्रॉपर्टी, अब आते हैं कि चार्जिंग का मतलब क्या होता है, किसी बॉडी का चार्जिंग का मतलब क्या होता है। कि मैं बोलूं कि भाई किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है, या व्हाट इज द मीन्ड बाय चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ बॉडी का मतलब क्या होता है। दुनिया में तीन तरह का बॉडी प्रेजेंट हो सकता है, तीन तरह का बॉडी प्रेजेंट होता है। एक होता है न्यूट्रल बॉडी,
दूसरा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, और तीसरा होगा नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। अब सुनना, जैसे न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या होता है कि उसके पास चार्ज जीरो है, गलती से मत बोलना, न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि चार्ज जीरो नहीं, इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इट हैज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये होता है चार्ज बॉडी का, न्यूट्रल बॉडी का मतलब। पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटोन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटोन ज्यादा है। सिमिलरली नेगेटिवली चार्ज मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटोन। ये चार्ज्ड बॉडी का मतलब हो गया, न्यूट्रल बॉडी का मतलब हो गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो क्या उसके ऊपर प्रोटोन डाल देना है क्या? या मैं बोलूं किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो क्या उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डालना हुआ? मतलब ये चार्ज, अगर मुझे किसी बॉडी को चार्ज करना है तो मैं क्या करूं? जैसे मान लो पहला मैं बोलता हूं कि मेरे किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो पॉजिटिव मान लो ये कोई बॉडी है, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो क्या पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए मैं इसके ऊपर प्रोटॉन डाल दूंगा क्या? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, समझना इस चीज को। जो हमारा एटम होता है और उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करना आसान है क्योंकि ये शेल में निकाल सकते हैं हम लोग, लेकिन जो प्रोटॉन्स है ना वो टाइटली बाउंडेड हैं न्यूक्लियस के अंदर, अंडर द एट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, जो कि 50 टू 60 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, और ग्रेविटेशनल फोर्स के तो कई गुना ज्यादा। ये इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स से तुम इसको तोड़कर प्रोटॉन को निकाल कर दूसरे को दोगे, कर ही नहीं पाओगे। यानी कि मैं क्या करूं सर? अब मैं तो प्रोटॉन निकाल नहीं सकता किसी बॉडी से, अगर प्रोटॉन नहीं निकाल सकता लेकिन मेरे को पॉजिटिव चार्ज, किसी दूसरे बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है, तो चार्जिंग इन्वॉल्व्स ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्जिंग सिर्फ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है। इलेक्ट्रॉन्स तो हम लोग निकाल सकते हैं, सेल में निकाल लिए दे दिए, निकाल लिए दे दिए, ये अपन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, प्रोटॉन के साथ नहीं कर सकते। तो अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। क्यों? पहले ये न्यूट्रल था, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम था, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जैसे दो इलेक्ट्रॉन निकाला, अब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई, ये प्लस टू ई हो गया, प्लस 2e चार्ज इसके ऊपर आ गया। क्यों आया ये चार्ज? क्योंकि मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो पॉजिटिव चार्ज करने के लिए किसी बॉडी का इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, और नेगेटिव चार्ज करने के लिए किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन डाल दो, तो ये माइनस 2e चार्ज हो गया। तो चार्जिंग ऑलवेज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी कैन नॉट ट्रांसफर प्रोटोन बिकॉज प्रोटोन टाइटली बाउंड है, कहां से ट्रांसफर कर पाओगे एक जगह दूसरे जगह? बट इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफर कर ही सकते हैं। तो हमने वही दिमाग लगाया, निगेटिव चार्ज करना है बॉडी न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन लाके पटक दिया, पॉजिटिव चार्ज करना है इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिया, हो गया। तो चार्जिंग ऑलवेज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में? छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, बट इंपॉर्टेंट है। नाउ मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कितने मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, और इसकी बात कर ले, ठीक है। ये सारी बातें जो मैं थ्योरेटिकल बातें पढ़ा रहा हूं, जो भी जिनको भी बोर्ड का एग्जाम देना है वो प्लीज एनसीईआरटी आज ही जाकर पढ़ें, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं, किसकी बात करें मुन्ना? अरे बोलना, अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग। दुनिया में तीन तरह के मेथड्स होते हैं चार्जिंग के, कुल मिला के तीन तरह के मेथड होते हैं। एक होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन,
दूसरा होता है चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट, और तीसरा होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। तीन तरह के मेथड। सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये कैसे होगा सर? तो मैंने बताया था ना, एंशियंट टाइम में हमने क्या किया था, सिल्क के कपड़े से रॉड को रगड़ा, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है एटम में, वो रगड़ने की वजह से ड्यू टू फ्रिक्शन हीट जनरेट हुआ, हीट से वो इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइट हो गए और वो छोड़ के भाग गए, तो वो चार्ज हो गया। इसी को, अरे ऑब्वियस सी बात है, तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा उसमें, क्या कहते हैं अपन गैसियस स्टेट चैप्टर में केमिस्ट्री में, कि अगर किसी चीज को हीट करो, इनर्जी दो, तो इलेक्ट्रॉन थर्मली एक्साइट हो जाते हैं और थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन शेल को छोड़ छाड़ के इधर उधर भागने लग जाते हैं। जैसे वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागने लग गए, वो चार्ज हो गया। यही होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जैसे सिल्क रॉड है, इसके ऊपर ये मान लो कपड़ा है अपने पास, और हमने इस कपड़े से इसको रगड़ दिया पकड़ के, तो चार्ज हो जाएगा। इसको बोल दिया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक। दूसरा आता है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है, जैसे मान लो, ध्यान रखना ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि वी शुड हैव कंडक्टर, कंडक्टर होना चाहिए। कंडक्टर मींस मेटल। इन दोनों के लिए कंडक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, कंडक्टर अपन बाद में बात करेंगे, बट अभी रहने दो। अभी तुम जान के चलो कि ये दोनों के लिए अपने को कंडक्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरे पास दो बॉल है, दो मेटल का बॉल है, एक बॉल ऐसा और एक बॉल ऐसा, दो बॉल है, एक के ऊपर कई सारा पॉजिटिव चार्ज है और एक न्यूट्रल है, कोई चार्ज वार्ज नहीं। हमने क्या किया, दोनों को पास लेके आए। जैसे दोनों को पास लाया, तुम क्या देखोगे, इससे कुछ चार्ज कूद के इसमें पहुंच गया, कुछ चार्ज इससे कूद के इसमें पहुंच गया, इसमें चार्ज कम गया, इसमें चार्ज बढ़ गया। अब तुम बोलोगे सर आपने बोला था कि प्रोटॉन तो ट्रांसफर नहीं हो सकता, बट आपने पॉजिटिव चार्ज को ट्रांसफर किया। अरे गधे, मैंने पॉजिटिव को ट्रांसफर नहीं किया है, हुआ क्या कि इसका कुछ इलेक्ट्रॉन कूद कर इसमें आ गया, तो अगर कुछ इलेक्ट्रॉन कूद कर इसमें आएगा तो इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और पहले ये न्यूट्रल था, पहले ये न्यूट्रल था, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदा तो ये पॉजिटिव हो गया ना, तो चार्जिंग नेवर इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन, इट ऑलवेज इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट हां, फील लेने के लिए ऐसे बोल सकते हो, फील लेने के लिए कि पॉजिटिव कूद के इधर चला गया। सिमिलरली अगर निगेटिव होता तो निगेटिव कूद के इधर चला जाता, फील लेने के लिए। बट हो क्या रहा है, तुम्हें पता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के इधर आए और उसने कुछ पॉजिटिव को न्यूट्रल कर दिया, कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलके क्या करेगा, न्यूट्रल बना देगा, पॉजिटिव निगेटिव समाप्त। तो कुछ इलेक्ट्रॉन कूद के इधर आए, इसके कुछ पॉजिटिव को गायब कर दिया और इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आए, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैंने देखा कि कुछ कुछ बट गया, अब अलग कर दो। जैसे तुम अलग किए, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव रह गया और ये भी पॉजिटिव का पॉजिटिव, देखो चार्ज हो गया, ये पहले न्यूट्रल था अब वो चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या है कि इन चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट देयर शुड बी मेटल बॉल कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेम साइन ऑफ चार्जेस आर ट्रांसफर्ड, मतलब बोथ द बॉडी विल हैव सेम साइन ऑफ चार्जेस। चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट में बोथ द बॉडी विल हैव सेम साइन ऑफ चार्जेस, दोनों पे देख लो, दोनों पे पॉजिटिव है। तो इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, बोथ बॉडी विल हैव सेम साइन ऑफ चार्ज। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चार्ज इधर उधर कूद रहा है? एक बात बता मेरे को, एक तरफ पानी का टंकी है और पानी का टंकी में डबाडब पानी भरा हुआ है, बीच में एक पाइप है और दूसरा टंकी है जो कि बिल्कुल खाली है, तो क्या होगा,
क्या होगा? पानी इस टंकी से इस टंकी में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना भाई। कब तक जाएगा? जब तक कि दोनों का लेवल सेम नहीं हो जाए। इसी चीज को तुम कंपैरिजन यहां पे कर दो, इसी चीज का कंपैरिजन यहां पे कर दो कि एक तरफ भयंकर चार्ज है और दूसरा तरफ बिल्कुल नल्ला खाली बैठा हुआ है। जैसे तुम इसको पास मिलाओगे, ये बोलेगा यार मेरे पास इतना है, कुछ तू भी ले ले, दे दिया। यही होता है, समझ गए? बाकी जो अच्छा वाला एक्सप्लेनेशन है वो पोटेंशियल के बाद मिलेगा। अभी काम चलाओ, एक्सप्लेनेशन से काम चला लो। चार्जिंग बाय इंडक्शन, अब ये क्या होता है समझाता हूं, देखना। इसमें क्या होता है, अगेन वी रिक्वायर्ड कंडक्टर। दो मेटल बॉल है, मान लो ये अपने पास एक मेटल बॉल है, इसके ऊपर कई सारे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में मैं दूसरे मेटल बॉल को लेके आऊंगा। ये अपना मेटल नंबर वन और ये है मेटल नंबर टू। तो कुछ टाइम के बाद तुम क्या देखोगे कि इधर की तरफ कुछ कुछ निगेटिव चार्ज आ गया और इधर की तरफ कुछ पॉजिटिव आ गया। तुम बोलोगे ये कैसे हो गया? अरे ये न्यूट्रल ही है, ये न्यूट्रल ही है। लेकिन होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आ गया और सारा प्रोटॉन को भगाएगा कि रिपल्सर भाग दूर भाग, ये सारा इधर आ गया। ओवरऑल अभी भी ये क्या है, न्यूट्रल है। अभी भी ये न्यूट्रल है, अभी भी ये न्यूट्रल है, बट चार्ज अलग अलग हो गया। ये इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव। क्यों? इसकी वजह से। इसके पास पॉजिटिव था तो इसने सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया और इसके पास पॉजिटिव था तो सारे प्रोटॉन को धक्का देके साइड में लगा दिया। तुम बोलोगे सर अभी तो ये चार्जिंग तो हुआ ही नहीं, क्योंकि चार्जिंग का मतलब होता है कि नेट उसके ऊपर पॉजिटिव होना चाहिए या नेट उसके ऊपर निगेटिव होना चाहिए। ये तो अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का चार्ज तो इक्वल है। तो कहां आपने चार्ज किया? चार्जिंग का मतलब होता है या तो इसके ऊपर नेट पॉजिटिव रहे या इसके ऊपर नेट निगेटिव रहे। अब मैं एक दिमाग लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा ऐसी कंडीशन में, इसी सेम कंडीशन में देखना मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे ग्राउंडिंग कर दूंगा, ग्राउंडिंग बोल दूं या अभी फिलहाल अर्थिंग बोल दूं, मतलब इस वाले सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा। अब तुम लोग सर अर्थ के कनेक्ट करने से ऐसा क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। जैसे तुम इसको अर्थ से कनेक्ट करोगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर इसके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। और अर्थ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, अर्थ का इलेक्ट्रॉन कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर इसके कुछ पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए तो ओवरऑल ये निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम्हारा सबसे पहला सवाल यही होगा कि सर ये कैसे हुआ, आखिर अर्थिंग करने पे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ गए और ये क्यों आए? बताऊंगा बाद में, इस अर्थिंग को हटा दो, बाद में इस अर्थिंग को हटा दो। जैसे तुम इस अर्थिंग को हटाओगे, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव बिना कुछ किए हुए, बिना टच किए हुए हमने दूसरे वाले बॉडी को चार्ज कर दिया। इसलिए बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंड्यूस करके चार्ज। इंडक्शन का इंड्यूस, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्ज, जो इसकी वजह से आया, जो इन्फ्लुएंस हुआ इस चार्ज की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव इंड्यूस हुआ है, इसलिए इसका नाम है चार्जिंग बाय इंडक्शन। सवाल ये पैदा होता है, अर्थिंग करने पे सर निगेटिव चार्ज ग्राउंड से क्यों आया? इसका रीजन है पोटेंशियल, जो कि थर्ड नंबर का टॉपिक है। पोटेंशियल क्या होता है बताऊंगा आगे क्या होता है। तुम ऐसे समझो कि जब भी अर्थ का, बस मैं लॉजिक दे रहा हूं, तुम्हें समझ में अभी नहीं आएगा, वो आगे आएगा। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। और जिसको भी अर्थ से जोड़ते हैं, अर्थ उसका पोटेंशियल भी जीरो कर देता है। जैसे अर्थ का खुद का पोटेंशियल कितना है? जीरो। इस सरफेस को मैंने अर्थ से जोड़ा, अर्थ ने इस सरफेस का पोटेंशियल भी कितना कर दिया? जीरो कर दिया। बस लॉजिक दे रहा हूं, तो समझ में नहीं आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस सरफेस पे पोटेंशियल होता है पॉजिटिव। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल आ गया पॉजिटिव। लेकिन अगर मेरे को ओवरऑल सरफेस का पोटेंशियल जीरो करना है, क्योंकि ये सरफेस अर्थ से कनेक्टेड है और अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, और जो भी अर्थ से कनेक्टेड होता है उसका पोटेंशियल भी जीरो हो जाता है, इसकी वजह से इसके सरफेस पे पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो खुद के ऊपर जब तक निगेटिव नहीं आएगा,
तब तक इस सरफेस का ओवरऑल पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वजह से पॉजिटिव और खुद की वजह से निगेटिव, तो ओवरऑल जोड़ूंगा तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और अपने को इस सरफेस का पोटेंशियल को जीरो करना है। सरफेस के पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है। डोंट वरी, पोटेंशियल अपन सारी बात करेंगे। जानने वाली बात क्या है, जानने वाली बात यह है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में अपोजिट चार्जेस आर इंड्यूस्ड। अपोजिट चार्जेस देख रहे हो, वहां क्या था, सेम साइन ऑफ चार्ज, बोथ द बॉडी विल हैव सेम साइन ऑफ चार्जेस। यहां पे क्या आएगा, बोथ द बॉडी विल हैव अपोजिट साइन ऑफ चार्जेस, बोथ द बॉडी विल हैव अपोजिट साइन ऑफ चार्जेस। देखो यहां पे कॉन्टैक्ट वाले में क्या था, सेम साइन ऑफ चार्जेस, यहां पे क्या आया, अपोजिट साइन ऑफ चार्जेस। बस सिंपल फंडा याद रखो कि अगर ये निगेटिव होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये पॉजिटिव है तो ये अपना निगेटिव हो गया। यहां पे क्या हुआ, वो पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव हो गया, वो अगर निगेटिव होता तो ये भी निगेटिव हो जाता, सेम साइन। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है चार्ज के साथ, कि डज चार्जिंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मास, क्या चार्जिंग से मास का ट्रांसफर होता है, यस चार्जिंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं होता, होता है। जैसे मैं बोलूं कि किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो उस बॉडी का मास बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता है, चाहे वो बहुत कमी क्यों ना हो, होता तो है। या किसी बॉडी से मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो उसका मास मैंने कम कर दिया। जब भी तुम्हें कोई पूछे डज चार्जिंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मास, क्या चार्जिंग से मास का ट्रांसफर होता है, हाँ होता है, आई बात समझ में, ये होता है, ठीक है। ये हो गया, सारी प्रॉपर्टी चार्ज के बारे में हो गई। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है एनसीईआरटी से इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, एनसीईआरटी से इन सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना, आई बात समझ में। अब ये चार्जिंग की बात हो गई, इन्वॉल्व मास और ये। अब अपन बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो अब अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है वो फोर्स से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। देखना, देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये रिपल्सन, ये अट्रैक्शन, ये जो भी हो रहा है, विदाउट फोर्स ये पॉसिबल नहीं है, विदाउट फोर्स ये पॉसिबल नहीं है। इस मार्कर को मैं छोड़ता हूं तो ये अर्थ के पास खींचा चलाता है, विदाउट एमजी क्या ये अर्थ के पास खींचा चलाएगा, नहीं, कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये चार्ज अट्रैक्ट हो रहे हैं, चार्ज रिपेल हो रहे हैं, उसी फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थिरकी बल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थिरकी, मतलब मैं बोल भी नहीं पाता हूं, बल, आई बात समझ में, हिंदी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस फोर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, वो सारी बातें। प्रॉपर्टीज तो तुम्हें पता ही चल गया है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, बट वो फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, वो कैसे लगेगा, वो सारी बात करेंगे। वो सारा स्टार्ट करने से पहले, फोर्स के बारे में सारी बातें स्टार्ट करने से पहले, मैं पहले स्टार्ट कर दूं, क्या स्टार्ट कर दूं, कि जो तुमने स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं वो बता दूं तो फिर ये कुछ भी नहीं बचा। एक बात बताओ, कोई बंदा ए पे खड़ा है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वन कॉमा वाई वन, भागता भागता बी पे चला गया एक्स टू कॉमा वाई टू पे, तो मैं बोलूं कि बताओ इस बंदे का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो पोजीशन वेक्टर इस बंदे का ओ ए वेक्टर है। इस बी वाले बंदे का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो ये बंदे का पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर है, है ना। अच्छा, ओ ए वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो, ओ ए वेक्टर को तुम लिख सकते हो एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। सिमिलरली ओ बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। ए से बी गया तो ए बी हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, वो लिख सकते हो x2 माइनस x1 i कैप प्लस
y2 माइनस y1 j कैप, ये मैंने काइनेमेटिक्स में बताया था, नहीं भी बताया हो तो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये अपना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से OA प्लस AB बराबर OB, ट्रायंगल लॉ से OA प्लस AB बराबर OB, तो AB बराबर OB माइनस OA, तो OB माइनस OA करोगे तो ये आ जाएगा। ये अपना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब मैं बोलूं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर यानी कि मैं बोल रहा हूं कि AB वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, AB कैप। तो यूनिट वेक्टर के लिए अपन क्या करते हैं, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे। जिसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये AB वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ गया। ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बेसिक बातें पता है। अब जैसे कि तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बता रहा हूं, पहले ग्रेविटेशन बताओ। ग्रेविटेशन तुमने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एफ बराबर जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर होता है ना, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो कूलम फोर्स स्टार्ट करने से पहले तुम्हें बिल्कुल सिंपल ध्यान में रखना है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो जब भी किसी चार्ज के ऊपर हम फोर्स की बात करेंगे, उस चार्ज का एक्सेलरेशन भी होगा। तो ध्यान रखना, जैसे तुमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में फोर्सेस के बारे में पढ़ा है, वहां पे 5 तरीके का फोर्स था, टेंशन, नॉर्मल, MG, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ये 5 तरह का फोर्स था। अब तुम्हारे लाइफ में एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस फोर्स की प्रॉपर्टी बाकी फोर्स की तरह सेम ही होगा। जो ऐसा फोर्स का काम होता है, एक्सेलरेशन देना, ये करना वो करना, यही काम होगा। लेकिन इस फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो अपने को कूलम नाम के साइंटिस्ट ने दिया, इसीलिए इसका नाम कूलम फोर्स भी पड़ गया। अब वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, उस फोर्स के फॉर्मूला के बारे में अपन सारी बात करेंगे, ठीक है ना। बट आज के लेक्चर में वो फोर्स स्टार्ट नहीं करूंगा, कल अपन फोर्स, फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, फील्ड, फील्ड का बेसिक पॉइंट, फील्ड की बेसिक पॉइंट के बाद तरह तरह का फील्ड निकालना, फोर्स के क्वेश्चन, इसीलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का रिवीजन करके आना। मैंने बताया था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का 30-40% पोर्शन तुम्हारे मैकेनिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। 30-40% पोर्शन, जैसे कि फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना, dv/dt करना, वेलोसिटी निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, वो सारा चीज पर्टिकुलरली मैकेनिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। बस यहाँ पे एक नए तरह का फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया है और कुछ भी नहीं हुआ है। जिस फोर्स का एनर्जी भी हो, क्योंकि ये फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो इसकी खुद की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा, यहाँ मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा, इवन कई जगह एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगेगा। आई की नहीं बात समझ में। तो अभी तो स्टार्ट हम कर रहे हैं फोर्स से, बट आज के लेक्चर में निकलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे फिर फील्ड, फिर गॉस लॉ, फिर पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी में ही मोमेंटम आ जाएगा, फिर डाइपोल की बात करेंगे। तो इसलिए ध्यान, एक बार फोर्स का वो सारा रिवाइज करके आ जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक।